उज्जैन में त्यागी महाराज के आश्रम जा रहे एक संत को बीजेपी नेता सुल्तान सिंह शेखावत के छोटे भाई ने शराब के नशे में पीटा है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने शराब के नशे में गोपाल दास महाराज के साथ मारपीट की और शराब के लिए पैसे मांगे। जब गोपाल दास महाराज ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर्यटन के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है। मेहर और शहडोल जिले की समीक्षा पर मौजूद सरसी टापू का इसका जीता जागता उदाहरण है। बाणसागर बांध के बीचों बीच स्थित इस सरसी टापू को हनुमंतिया की तर्ज पर विकसित किया जाना है। रिसोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला रविवार को इसी का निरीक्षण करने सरसी टापू पहुंचे थे। जल्दी सरसी टापू मध्य प्रदेश में पर्यटन का नया डेस्टिनेशन उपलब्ध होगा। विख्यात लेखिका समाजसेवी और उद्योगपति सुधा मूर्ति ने दिल्ली कॉलेज ऑडिटोरियम में अपने विचार साझा किए। उन्होंने अपने जीवन के सफर, इंजीनियरिंग कॉलेज में अकेली लड़की होने के अनुभव, लेखिका बनने और पारिवारिक जीवन के संतुलन की बातों को बड़े ही प्रेरणादायक तरीके से साझा किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सड़क पर गड्ढे होने से आस्था को चोट पहुंची है। दरअसल शहर में बनी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए जा रही थी। लोगों ने दो घंटे तक जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने खंडित मूर्ति को विसर्जित कराने का इंतजाम कर उनकी सभी मांगों पर एक्शन लेने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में 14,733 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। इसमें सबसे ज्यादा ग्वालियर और दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल बकायेदारों की लिस्ट में। प्रदेश में बिजली कंपनियों के 14,733 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें सबसे ज्यादा ग्वालियर क्षेत्र पर बकाया है। रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव खंडवा के खालवा में जनजातीय छात्र प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह को संबोधित किया। सीएम ने कहा, आकांक्षा योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा जैसे जेईई नीट, एम्स और क्लैट के लिए फ्री कोचिंग फैसिलिटी प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इंदौर, उज्जैन, धार और देवास को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की घोषणा की। साथ ही कहा, सिंहस्थ से पहले इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार 9 सितंबर को सागर जिले के बीना से सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में सोलवी ट्रांसफर करेंगे। इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार लाडली बहन योजना के माध्यम से उनके खातों में हर महीने 1250 रुपए भेजती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फायरिंग से सनसनी मच गई। हमलावर ने फिल्मी स्टाइल में गाड़ी ओवरटेक कर युवक को गोली मार दी। गोली युवक के कमर में लगी। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ में पिता पुत्र की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।